इतना परेशानी कभी भी नहीं हुआ नैनीताल में, खासकर नैनीताल आने। देखिए इस टाइम में फिर से डीएसए फील्ड में आ गया हूँ, तैयारी शुरू हो गई है और एक ये खड़ा है। तो देखिए फिर से एक बार बारिश शुरू हो चुकी है, तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़ारे हैं ये। तो देखिए इस टाइम में आ चुका हूँ ठंडी सड़क और ठंडी, तो यहाँ से ये नज़ारे देख सकते हैं कि पीछे कोहरा फॉग और यहाँ ये बोट से चलो। दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसन अली गांव। जो आजकल अगर फिर से नैनीताल के वेदर को समय मेल की अपडेट देने वाला हूँ, हालांकि पीछे से आप देख रहे होंगे ये तो झूलों का सामान यहाँ पे आ चुका है, झूले लगना यहाँ पे शुरू हो गए। 8 से मेला शुरू हो रहा है, 15 तक मेला रहेगा, 15 को लास्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मेले में आना है तो मेले में आ सकते हैं, घूम सकते हैं। और इस टाइम सुबह मैं इंस्टाग्राम में लाइव आया था, बहुत मूसलाधार बारिश थी और अभी जो है हल्की फुल्की बारिश होगी। देखिए मेरी कमीज़ से आपको पता चल रहा होगा, भीगते हुए कमी नज़र आ रही होगी और ये अम्ब्रेला छाता मैंने ले रखा है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करता आजकल मेरे ब्लॉग बने रहेगा, स्किप करके मत देखने में तो कुछ ना कुछ जानकारी छोड़ देंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं नैनीताल की हसीन वादियाँ। देखिए इस टाइम में फिर से डीएसए फील्ड में आ गया हूँ और यहाँ पर जामा मस्जिद और नगर पालिका और डीएसए का ऑफिस देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके से आज नज़ारा है, ये बादल लगे हुए देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से बादल लगे हैं। और सुबह मैं इंस्टाग्राम में लाइव आया था, मैंने दिखाया था किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है और वेदर कुछ इस तरीके से है। और आज है यहाँ पर फाइनल मैच, तो वो तो शाम को है 4:30 बजे से। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिए झूले आ चुके हैं कोलंबस, और जो दुकानें लगना होती हैं उनके ये पोल और टीन ये आ चुके हैं। तो 8 से मेला शुरू है यहाँ, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये नज़ारे हैं। ये सामने कोलंबस का ट्रक खड़ा, देखिए ये देख रहे हैं आप लोग। कोलंबस में काफ़ी लोग झूलते हैं और गोल वाला झूला शायद अभी नहीं आया है, वो भी आ जाएगा आज या शाम को या कल को। तो देखिए यहाँ पे ये झूला लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे अब बस कुछ ही दिन में रौनक शुरू होने वाली है। तो ये देख सकते हैं झूले लगने की तैयारी यहाँ पर चल रही है, प्रोसेस चल रही है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो उसका पूरा सामान रखा है यहाँ पे, देखिए ये। तो इनका तो ये एक शायद ही कोलंबस है, ड्रैगन का मुंह दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दुकानें ठुकना शुरू हो गई हैं, पोल लगने शुरू हो गए यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये ट्रक। तो इनका ये सामान रखा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए तैयारी भी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगेगा कोलंबस, ये देखिए, तो ये सारा सामान है यहाँ पे। कुछ इस तरीके से देखिए सामान रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये लोग तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है इन्होंने। और जो ये टायर है ना, ये टायर से ही चलता है, देखिए सामने टायर है ना ये, तो इसी में घर्षण होता है तो उससे फिर कोलंबस चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है और एक ये खड़ा है, तो ये देख सकते हैं ये वो है जो ट्रेन होती है ना, जो ऐसे चलती है ट्रेन की पटरी पर ऐसे ऐसे, वो है ये। आखिर मैं इसी में बैठता हूँ क्योंकि और मैं तो जर्नटल लगता है, तो घर वालों के संग इसी में बैठ जाता हूँ कभी कभार। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है और यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कल तक और कितने झूले आते हैं और दुकानदार कितने आते हैं यहाँ पर। तो देखिए टीन यहाँ पे रखे हुए हैं और ये लगना शुरू हो गए हैं, तो कुछ इस तरीके से सामान है यहाँ पर। तो चलते हैं नैनीताल के साथ, नैनीताल की लेक के पास, और उधर देखते हैं कि उधर कैसी रौनक है। वह परसों नरसों से यहाँ रौनक होने वाली है, भीड़ भड़क का पैर रखने की जगह नहीं होगी यहाँ पर। तो देखिए जैसे आप लोग नैनीताल का व्लॉग देख रहे हैं, तो इस टाइम मैं आया हूँ अपने बड़े भाई बो भाई की शॉप में। तो आप कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आजकल के बारे में बताइए, कैसा सीजन है? आजकल बारिश हो रहा है, सीजन थोड़ा मध्यम वर्ग में चली जा चुका है क्योंकि अभी इतना मतलब डाउन भी नहीं है, बीचों बीच में है। कुछ ही दिन में हमारे पास मेला आएगा, तो काफी सारा अपडेट मिलेगा आपको, बहुत सारा उत्साह होगा मेले में, बहुत रौनक होती है। हम खुद ही मेला घूमने, दुकान छोड़कर मेला घूमने जाते हैं। जी, तो दोस्तों मेला शुरू होने वाला है, बिल्कुल मुझे पता चला है कि 8 तारीख से। जी जी, 8 से 15 तक, 8 से 15 तक मेला शुरू होगा। तो भव्य यहाँ
में दुकानें लगती है, मेले में झूला, बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेगा। मेले के ब्लॉग जरूर आएंगे। जी जी जी। अच्छा, जो लोग कह रहे थे नैनीताल सेफ है या नहीं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब तो देखिए बारिश बहुत कम हो चुकी है, पहले बारिश थी भी तो इतना परेशानी कभी भी नहीं हुआ नैनीताल में, खासकर नैनीताल आने के लिए। जी, और जगह हुआ होगा प्रॉब्लम, पर लेकिन नैनीताल के एरिया में, नैनीताल जिले में कहीं भी इतना दिक्कत नहीं था। कभी भी आए कोई दिक्कत नहीं मिला होगा, सुनने को भी नहीं मिला होगा आपको। जी जी। कोई आपदा नहीं, कुछ नहीं, इस साल बहुत अच्छा रहा। अब तो बारिश की बहुत ही वो कम हो चुकी है, लेकिन एक टाइम होती है, या सुबह हो या शाम को, एक टाइम जरूर पकड़ती है। जी जी। तो बारिश हल्का हो चुका है, कभी भी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जैसा आप लोगों को हमारे बोबो भाई ने बताया कि आप लोग आ सकते हैं नैनीताल, बिल्कुल सेफ है। और मैं बता दूं कि हमारे बड़े भाई बोबो भाई का भी यूट्यूब में चैनल है, बोबो इको 04, तो भी काफी अच्छे कंटेंट डालते हैं। तो एक बार इनके चैनल में जरूर विजिट करिए, बोबो इको 04। तो और इनकी शॉप भी है, तो आप लोग यहाँ से ये गर्म कपड़े जो सुंदर सुंदर देखेंगे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप विंटर के और हम बढ़ चुके हैं, जाड़ की और बढ़ चुके हैं, तो आप लोग भी खरीदारी यहाँ करिए। देख सकते हैं हमारा पहना हुआ, देखकर इतना सर्दी है, एक जैकेट की अनिवार्य आपको आवश्यकता पड़ेगा। यदि लेकर आएंगे तो फायदे में रहेंगे, अगर लेकर नहीं आएंगे तो मुझसे मुलाकात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैकेट के लिए। जी जी। तो आपका मेरे ब्लॉग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, फिर से एक बार बारिश शुरू हो चुकी है, और ये ऐसी बारिश होगी, भीगने वाली बारिश है। तो बैंड हाउस के अंदर आप लोग देख सकते हैं, चलते हैं इधर की तरफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारे हैं लेक के। तो लेक में कुछ बोट्स भी चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। बारिश का तो कुछ पता ही नहीं कैसी बारिश है, क्या बारिश है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो जो बोट वाले उन्होंने तो अपनी बोट में तिरपाल लगा दिए, देखिए। और रंग बिरंगी, येलो, ब्लू, ब्लैक, कुछ इस तरीके से। और लेक में देखिए किस तरीके से आप जो बोटिंग कर रहे हो फटाफट आ रहे होंगे। और दो दिन से तो पता नहीं क्या हो रहा है, बारिश हो ही रही है दो दिन से। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि बारिश नहीं हुई, धूप अच्छी हुई है और बारिश हो ही रही है दो दिन से। अब मेला भी आ गया है, तो मेले में देखते हैं कैसा स्थिति रहती है। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा है ये यहाँ पे। तो मैं हूँ बैंड हाउस के पास, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से। और बारिश में ना पता नहीं मछलियाँ जो उतल पुतल बहुत करती हैं, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो बारिश तो अच्छी खासी हो गई है, तो चलते हैं आगे की तरफ और पानी का लेवल देखते हैं। तो अभी पर्यटक यहाँ रुके हुए हैं, देखिए। तो चलते हैं आगे की तरफ। और जब बारिश हो जाती है तो हर कोई फिर बारिश से बचने के लिए इधर उधर छुपता रहता है कि बारिश से भीगे ना हम। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़ारे हैं ये। पानी का लेवल तो मुझे उतना ही दिख रहा है, बस दो स्टेप बचा है, बढ़ गया है। तो ये देख सकते हो आप लोग, तो कुछ इस तरीके से है नज़ारे। तो देखिए, इस टाइम में आ चुका हूँ ठंडी सड़क, और ठंडी सड़क में कुछ इस तरीके से लोगों की आवाजाही हो रही है। अब मौसम तो ख़राब ही है, बारिश का हो रहा है। और देखिए यहाँ भी लाइटों की झालर लग चुकी है, तो पूरा जो नैनीताल हमारा लाइटों से गुलजार हो जाता है रात में जब लाइटिंग होती है। क्योंकि नैनीताल में जो चल रहा है नंदा देवी महोत्सव चल रहा है, नंदा देवी फेस्टिवल चल रहा है, तो मेला भी लग रहा है उस उपलक्ष में, और पूरे नैनीताल में सजावट भी हो रही है। ठंडी सड़क, माल रोड और बड़ा बाजार, और नीचे हाईकोर्ट से नीचे पूरी माला लगी हुई है, तो रात को पूरा अच्छा लगता है। मतलब ये जो है 8 तारीख से जलना शुरू हो जाएंगी पूरी। तो आज मैं देख रहा हूँ ये खुदाई भी हो रही है ऐसे। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, पोल लग रहे हैं क्या लग रहे हैं, ये तो पता नहीं है। तो यहाँ से ये नज़ारे देख सकते हैं कि पीछे कोहरा फॉग, और यहाँ ये बोट से चल रही है, ये देख सकते हैं आप लोग क्या नज़ारे हैं ये। तो ये नज़ारे भी अपने आप में कुछ अलग ही होते हैं जो ये दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, एक पेड़ गिरा था वो यहाँ पे गिरा था, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये गिरा हुआ था लैंडस्लाइड। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है ठंडी सड़क में, तो तुरंत पेड़ भी कट गया था और आवाजाही शुरू हो गई थी। तो मैं यहीं पर हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। और देखिए कितना बड़ा बोल्डर है, पत्थर कितना बड़ा अटका है, और कितना बड़ा पत्थर है ये। और यहीं से कुछ इस तरीके से लेक का नज़ारा देखने को मिलता है, ये देख रहे हैं आप लोग। और कोहरा, और मुझे लग रहा है वहाँ पे ना बारिश जैसी हो रही है कुछ, तो ये देख सकते हैं आप लोग। और बिल्कुल मैं ठंडी सड़क के पास हूँ, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारे हैं ये। और दो दिन से ऐसे ही मौसम हो रहा है नैनीताल का, धूप तो आ ही नहीं रही है, शाम को आ जा रही है, थोड़ी बहुत धूप शाम को आ जा रही है। तो दो दिन से नैनीताल का मौसम कुछ इसी तरीके से हो रहा है,
जैसा अभी आप देख रहे हैं। तो देखते हैं कि मेले में बारिश ना हो, अगर मेले में बारिश होगी तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वेदर के ऊपर बात है, आप लोग भी दुआ करिए, हम भी करेंगे कि मेले में हल्की फुल्की बारिश हो, ज़्यादा बारिश ना हो। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरा ये लगा हुआ है और ये बोर्ड से चल रही है सामने। तो फाइनली आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया। आज का व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।